भाई साहब, ओ भाई साहब, आसान नहीं है इन रेतों में चलाना। कैंपिंग में रहना है तो आप देख लो, ये इतना बड़ा कैंप। ढंग से पकड़ के बैठो, ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। दाल और थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा बिकॉज ये झुकेगा आगे के साइड। आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? यही मकसद होता है अगर आप आते हो किसी ऐसी प्रॉपर्टीज पे जहाँ पे आपको लगता है कि भाई सुकून मिल रहा है, चाहे वहाँ के लोगों से, चाहे वहाँ की हॉस्पिटैलिटी से और चाहे वहाँ के फैसिलिटीज़ से। तो मैं आ पहुँचा हूँ एक रिसोर्ट में। यहाँ पहुँचना कैसे है और इसके रेट्स क्या हैं, सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के जो कैटेगरी वाइज रूम है वहाँ पे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में मैं आपको रेट बताऊँगा, सारी जानकारी दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी उस टाइम तो उस टाइम लाइक करना, अभी मत करना। अच्छा, ये हैं हमारे गफूर भाई जो कि यहाँ का रख रखाव करते हैं, कि हमें लेके चल रहे हैं कि एक दो अपनी कैटेगरी वाइज जो रूम है इनके पास वो दिखाने। सामने आपने जो देखा कैंप देखे हैं, कैंप के बाद जस्ट पीछे एक स्टेप, इसको क्या बोलते हो आप लोग? कॉटेज। अच्छा, ये कॉटेज है। तो आई थिंक ये नई अभी प्रॉपर्टी बनी है ना? हाँ, नहीं, ये पीछे क्या है? अच्छा, किसी और की कैंप है ना? वो किसी और का कैंप है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे और आप देख सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं, इस पूरे सम डेजर्ट में ये ऐसी बिल्डिंग है जो 2 फ्लोर की है और एकदम परमानेंट बनी हुई है, जो कि जिस हिसाब से आप देख रहे हो सारी साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आ जाओ ऊपर की साइड। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ। सुकून मिला ना आप लोगों को देख के? अंदर में लेके चलता हूँ आपको। ये रहा रूम जो कि काफ़ी स्पेसियस है, ऊपर रूफ ऐसे है, बाकी फ्लोरिंग इस टाइप से, बाकी वॉशरूम नीट एंड क्लीन, काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है, तो विच इज़ नाइस, अच्छा लगा देख के। तो इसके रेट के बारे में लास्ट में बात करूँगा, पहले आप पूरी एक एक कैटेगरी देख लो कि है कैसा ये। आप उस रिसोर्ट की तरफ से निकल के आते हो, अब आपको चाहिए कि कैंप में रहना है। अगर आपका मन हो तो वहाँ पे रुक जाओ, कैंप में रुकना है तो इस हिसाब से थोड़ा सा वाइल्ड आपको चाहिए कैंपिंग में रहना है। तो आप देख लो, ये इतना बड़ा कैंप, कैन यू बिलीव। और एसी लगा हुआ है सामने और एक एक्स्ट्रा बेड है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो ऑब्वियसली बच्चे को वहाँ पे आप सुला सकते हो, बहुत सारा स्पेस है। और इसके साथ आप यहाँ सामान अपना रख सकते हो। मैंने तो फर्स्ट टाइम इतना अच्छा कैंप देखा, ट्रस्ट मी। और अंदर एक बार दिखा दूँ वॉशरूम, ये आप देख सकते हो वॉशरूम है ना? अच्छा, चलो आओ, मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपके नाच गाने और समथिंग जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है यही सब होते हैं। यहाँ पे डांस होता है ना भैया? यहाँ पे डांस होता है। शाम को कितने बजे स्टार्ट होता है ये डांस? स्टार्ट होगा करीबन 7:30 से 10 बजे तक। 7:30 से 10 बजे तक होता है, ओके। उससे पहले अगर आपको यहाँ लगभग कितने बजे तक, अगर कोई गेस्ट आए तो कितने बजे तक आ जाए? हाँ, यहाँ जल्दी आने का तो 4 बजे सही रहेगा, क्योंकि बैठेगा, क्योंकि जिस हिसाब से धूप रहती है तो उस हिसाब से आपको थोड़ा मैनेज करके आप आओ कि आप अप्रॉक्स यहाँ पे 4 बजे तक आ जाओ। तो उससे क्या होगा, धूप थोड़ी कम हो जाएगी। और आपको पता है रेगिस्तान में शाम को थोड़ी ये ठंडा हो जाता है और दिन में ये बेहिसाब, इसमें गर्मी ऐसी होती है ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, चाहे आप किसी भी मंथ में आओ। और इस कैम्प की सबसे, अगर मैं ख़ास बात बताऊँ तो सबसे ख़ास बात है क्या, बिकॉज इनके पास ना मल्टीपल रेंज है, मल्टीपल कैंप हैं और रुकने का ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको बोल के किसी छोटी जगह पे रुकवा दिया है समथिंग। ऐसी जगह पे यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो बहुत सारे कैंप हैं, कैंप ही कैंप लगे हुए हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो रुकने की प्रॉब्लम ख़त्म है। क्वालिटी मैंने आपको दिखा दिया। नाम आपने नोट कर लिया ना, वीरा डेजर्ट कैंप। ये रहा मैन एंट्री गेट, मैंने आपको सारा अंदर का दिखा दिया। आई होप आपको पसंद आया है। और अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कमेंट करके जाओ, बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। और इंस्टाग्राम की यही आईडी आ रही है बिहाइंड, तो बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी आ रही हैं तो उसको फॉलो भी करो। और साथ के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता हूँ। लोकेशन ये है कि ये मेन रोड है, जो सम डेजर्ट का है, सीधा जैसलमेर इधर से है, वहाँ से एंट्री है। उसके बाद आप इधर से आओगे सीधा, यहाँ से रोड है और बिल्कुल आप आ जाओगे इस कैंप के सामने। सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप रेट्स नहीं बताते। क्या होता है कि जो ये हॉस्पिटैलिटी लाइन होती है इसके मल्टीपल रेट्स होते हैं, तो आप लोग जो हमेशा पूछते हो जैसे अभी कम होंगे, लेकिन जब बहुत सारे ट्रैफिक आता है तो अब इसलिए ये लोग रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैं एक ऐसा रेट पूछ के बताऊँगा ताकि आप लोगों को रेट पर प्रॉब्लम ना हो, तो वो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊँगा। और ये मैं पहुँच गया हूँ सम डेजर्ट में, जी सफारी कर रहा हूँ। आप लोग भी आओ, पूरी जानकारी मैं दूँगा, लास्ट तक वीडियो देखो। शाम को यहाँ पे बहुत ही हैपनिंग सा हो जाता है, सनसेट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा पहले आना चाहिए था बिकॉज ये जस्टिफाई कैमरा उतना कर नहीं पाएगा, लेकिन हाँ। और ये जो सामने आप देख रहे हो बस यहाँ से चढ़ाई है और हम पहुँच जाएंगे बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच में। आसान नहीं है इन रेतों में चलाना। ये जी पहुँच गए हैं बिल्कुल हम अपने मेन रेगिस्तान में। ढंग से पकड़ के बैठो, ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ये देखो पूरी की पूरी अलग लेवल पे जा रही है। और ये रहा थार का रेगिस्तान। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो जी ये रहा कैंप जीप सफारी, जहाँ से हम हो गया है। ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बता दूं। ये तो आप आके जरूरी करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक है। वहाँ बिल्कुल सनसेट हो गया, बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा है। भाई ने तो आज हालत खराब कर दी, क्या जबरदस्त थार चलाई है गफूर भाई ने। तो ये इनकी थार है और इसमें ये सफारी करवाते हैं, आप देख सकते हो बहुत मैक्सिमम यहाँ थार में। और इनकी क्या है ना, बिल्कुल सेफ तरीके से बहुत लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जा रही है ना, कहीं इधर उधर गिरने का डर है, क्योंकि आप देख रहे हो ऊंचाई कितनी है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने चलाई है ना, मज़ा भी आया और आप सेफ भी हो। नाम क्या है भाई? जमाल भाई हैं अपने। और अब चलते हैं इनके ऊँट पे, ऊँट की भी सफारी लेते हैं। आप आओ, रुको एक जगह, रुकने के बाद आप गफूर भाई की ये जीप सफारी लो। जीप सफारी के बाद ये आपको सीधा यहाँ छोड़ देंगे और कहेंगे भाई आप कैमल सफारी कर लो। तो मतलब एक चीज़ें आपने की, एक ही जगह पे आपको तीनों चीज़ें मिल गई, डिफरेंट जगह नहीं जाना हुआ। तो जी बैठ चुके हैं कैमल पे, कई बार आप लोगों ने देख रखा है। अब भाई के साथ निकलते हैं यहाँ से। तो जी स्टार्ट अपनी सफारी। आप भी जिस हिसाब से किया, आप इस पर चढ़ने से जब ये उठता है तो घबराना नहीं है आपको, थोड़ा सा पीछे की साइड हो जाओ, आराम से हो जाओगे। ऊँट का भाई नाम क्या है? माइकल जैक्सन। अरे वाह, ओ भाई मेरे माइकल जैक्सन, उसकी तरह डांस मत करना, बाकी सारी चीजें कर लेना। उसके तरह बता डांस करेगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। फिर सारी चीज़ों के अलावा यहाँ की खूबसूरती आप देख रहे हो, बहुत ही अल्टीमेट है। और रैली आपको लगेगा कि सच में वर्थ है, टोटल आना यहाँ वर्थ है। अब देखो यहाँ पे ये वाली भी राइड होती है। अब यहाँ से देखो नीचे कितना जाना है, तो अब मेरे को थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा बिकॉज ये झुकेगा आगे की साइड। तो अगर मैंने जरा सा भी मैं आगे गया तो जाहिर सी बात है मैं सीधा नीचे चला जाऊँगा। जो कैमल सफारी होती है ये फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मिनी और मिशा को, बिकॉज मिशा को तो बहुत पसंद है कैमल पे बैठना। और आप इन सारी चीज़ों से, अगर आपने हमारी बीकानेर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, वहाँ पे पापा जी इस पर चढ़कर डर से गए थे, लेकिन उन्होंने डर का सामना किया था बहुत अच्छे तरीके से, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन मिनी दोबारा आएँगे जैसलमेर और तुम्हारे साथ फिर ये एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद माइकल जैक्सन। इस टाइप की भी गाड़ियाँ चलते कर फैमिली के साथ आते हो। और बाकी ये तो कैंप की ही गाड़ी है जिसमें मैं आया हूँ, और देख सकते हो यहाँ की सन्नाटेदार आपको जो ज़बरदस्त आवाज़ें सुनाई देंगी वो बिल्कुल आपका मन मोह लेंगी, और बहुत ही अच्छा लगा। अब चलते हैं कैंप की तरफ और फिर कैंप में दिखाएंगे कि वहाँ नाइट में क्या प्रोग्राम होता है, कैसे होता है, और आपका पूरा जो पैसा होता है वसूल कैसे होता है। तो जी जैसे कि आप सफारी करके आते हैं उसके बाद आपका जो स्वागत होता है कुछ ऐसे होता है, लेकिन चलो आपको आ जाओ मेरे पीछे। तो जी आप जैसे ही आते हो देख रहे हो किस हिसाब का स्वागत होता है, राजस्थानी स्टाइल में होता है। और ये सारी चीज़ें तभी मिलती हैं जब आप इस कैम्प में आते हो और ढंग से सारी चीज़ें आपको एक एक प्रोसेस के साथ चीज़ें होती हैं। मतलब आप ठहरे, उसके बाद आपने अपना फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आप सीधा आपने जीप सफारी, बाकी हम अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम कैसा होता है। फिर लास्ट तक वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको खाने में क्या यहाँ मिलता है। जैसे ही आप एंटर लेते हो, टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं, और इसकी तैयारी यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसकी तैयारी, उसके साथ आपको स्नैक्स भी यहाँ प्रोवाइड होता है। तो आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के पापड़ मिलेंगे, साथ में पकोड़े हैं और आपको चाय मिलेगी। आराम से चाय आप उठाओ और फिर बैठ के वहाँ से एंजॉय करो म्यूजिक। शाम होते ही ऐसे ही बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका आनंद जरूर उठाए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे बैठ के मजे करो शाम को, और इस टाइप से कुछ चाय की चुस्की लेंगे और गाने सुनो। चलो जी, मैं आप एक बार बात कर दूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्राइसिंग के बारे में, इसके बाद सीधा डिनर के पास चलेंगे। लेकिन प्राइसिंग के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे जो रेंट स्टार्ट होता है पर पर्सन, वो 1400 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको खाना मिलेगा, राइड मिलेगी और साथ के साथ ऐसा कल्चरल प्रोग्राम मिलेगा। तो 1400 से स्टार्ट होके ये मैक्सिमम जाता है 6000 तक। बार ये पूछते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, तो आप हमेशा ध्यान दो, टाइप की जो भी वीडियो डालता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो इसके खुद के ऑनर हैं, यानी इस प्रॉपर्टी के, मैं किसी मैनेजर का नंबर नहीं डाल रहा, किसी का नहीं, प्रॉपर्टी सीधे ऑनर का नंबर, यहाँ के जो ऑनर है उनका नंबर डाल रहा हूँ। और आपको सिर्फ यहाँ आगे बताना है कि आप परफेक्ट पैसेंजर के थ्रू आएंगे। तो ऑब्वियसली मेरी बात हो चुकी है यहाँ के उनसे, तो वो जरूर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे। तो आप आओ यहाँ पे, बेझिझक रोको, बिल्कुल दैट इज माय गारंटी कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी वही फील किया। चलो जी, बाहर से आपने सॉन्ग सुन लिया, उसके बाद आपके पेट में चूहे तो कुदने स्टार्ट हो गए होंगे ना। तो अब इसके बाद पार्ट आ जाता है डिनर का। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डिनर का प्रोग्राम कैसे होता है। और अभी सारे जितने भी गेस्ट हैं वो आने वाले हैं, लेकिन कुछ इस टाइप की यहाँ पे महफिल जम जाती है। अगर आप चाहो तो वहाँ बैठ सकते हो, यहाँ भी बैठ सकते हो। बहुत जब क्राउड होता है तो जाहिर सी बात है पूरा फुल होता है। और चलो यहाँ का कुछ मेन्यू मैं आपको दिखा दूँ। तो कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है, ये आई थिंक दाल बाटी चूरमा टाइप। हाँ ये चूरमा, ओके ये बाटी, अरे वाह क्या बात है। अच्छा बाटी दूसरे टाइप से है ना ये, ओके दाल और पनीर क्या रहता है, क्या ये लोकल डिश है। अच्छा लोकल डिश है, मिक्स वेज, और ये गट्टा कड़ी है। अच्छा जी, राइस एंड रोटी, बहुत अच्छा। आपने एक बार पूरा डिनर का देख लिया, तो आप आराम से आ भी सकते हो, डिनर भी एंजॉय कर सकते हो। और जाहिर सी बात है जो बेस्ट पार्ट मिलता है वो आपको डांस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आई होप जो आज की वीडियो लगी होगी बहुत अच्छी लगी होगी। तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।